जमीनी विवाद के चलते एक रिश्तेदार से उलझ रहे व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया। ये मामला हमीरपुर के बरसर थाना के तहत पेश आया। हार्ट अटैक आने के बाद तुरंत व्यक्ति के परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर जिला के बरसर थाना के तहत जमीनी विवाद के चलते एक रिश्तेदार से उलझ रहे व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद व्यक्ति के परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बरसर थाना पुलिस को इस बारे में शिकायत सौंपी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मृतक व्यक्ति के भाइयों ने पुलिस को बयान दिया है कि उनका ही एक रिश्तेदार जमीनी विवाद के चलते उनके साथ बहस कर रहा था। इसी दौरान उनके भाई को हार्ट अटैक आया। उन्होंने तुरंत अपने भाई को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तैनात डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। SP हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हॉस्पिटल से जब फोन आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्रेम सिंह है, उम्र उनकी 65 साल है, उनके ब्रदर प्रकाश चंद और वीरेंद्र, इन ये दो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। प्रेम सिंह जी की डेथ हो गई थी। जब उनका बयान नोट किए गए प्रकाश चंद और वीरेंद्र का, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के रिश्ते में एक बलीराम नाम के व्यक्ति हैं। जब उनके साथ एक किसी उनके मुश्तरका जो एक ज़मीन होती है उसके ऊपर कोई एक चर्चा चल रही थी, तो उसी दौरान प्रेम सिंह जी को हार्ट अटैक आया एज पर द वर्जन ऑफ मिस्टर प्रकाश चंद, और उसके बाद वो उनको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची है तो वो जीवित नहीं थे और उसका भी पोस्टमार्टम करवा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।